महीने भर कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। 91 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी, राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने मिल्खा सिंह के निधन पर ट्वीट करके जताया शोक। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 5000 से भी कम, 24 घंटे में आए 294 नए मामले। यूपी के सभी 75 जिलों में आज और कल साप्ताहिक बंदी, कोविड के चलते वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए युवा, सर्वे में आई बात सामने, सबसे ज्यादा 21 से 50 साल के लोग हुए दूसरी वेव में संक्रमित। मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन की को पूरी तरह से क्लीन चिट, जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत स्वीकारी गई लेकिन अस्पताल संचालक को क्लीन चिट मिली। कैदी का देवरिया जेल के अंदर से बात करते हुए वीडियो वायरल, कैदी का नाम रत्न यादव है, देवरिया बरहज का रहने वाला है। मथुरा में वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर बेकाबू ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल। कन्नौज तिरवा मार्ग पर युवक का दिन दहाड़े गोली मारकर गोली मारे गए, उसकी हालत गंभीर, 4 गोलियां युवक को लगी। एटा शिकोहाबाद रोड पर पुलिस जीप ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। बागपत के सिंघावली अहिर थाना इलाके में तित्रौदा गांव में चोरी कर बुजुर्ग की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, सिपाही भी जख्मी। मेरठ के सरधना के छुर गांव में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, शुक्रवार देर शाम नाबालिग किशोरी को उसी के बड़े भाई शेखर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंबेडकर नगर में 2 युवकों के पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल, जिला अस्पताल के प्रसव रूम में घुसने और वीडियो बनाने का कर रहे थे प्रयास। चिन स्नैचिंग में 14 साल की कैद की सिफारिश, विधि आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता। आजमगढ़ के उखरौड़ा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस की सड़क धंस गई, आनंद फानन में उसमें गिट्टी डालने का काम शुरू किया गया। गोरखपुर में रोहिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, इसकी वजह से खेतों तक में पानी घुस गया, नाव से लोगों को आर पार जाना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से एक बढ़ा गंगा का जलस्तर, बिजनौर पुलिस ने गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया। हल्द्वानी के लालकुआ में गौलर नदी के दूसरे छोर पर 2 लोग फंसे, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रात को चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जोशीमठ में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप, नदी के तेज बहाव के कारण लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क का कटाव का काम हो रहा। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को कर गया पार, तराई वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासु के पास बाधित, पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर और मलबा, 30 घंटों से ज्यादा वक्त से हो रही है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में पिछले 36 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी, नदियों और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने की वजह से हाईवे खोलने में आ रही है दिक्कत, कई गाड़ियां दोनों ओर फंसी। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जगह जगह सड़क पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिरने से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त।